हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक बहुत सिंपल ड्रेस ड्रॉ करने वाले हैं। कोई भी ड्रॉ कर सकता है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम जो है ये देखेंगे, ये जो शीट है वो A4 शीट में यूज़ कर रही हूँ। एंड देन जो हेड है वो 4.5 सेंटीमीटर्स में आएगा। हेड का जो मैक्सिमम विड्थ है वो 2.5 सेंटीमीटर्स है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज शोल्डर टू वेस्ट, यानी कंधे से लेके कमर तक। इट्स मेजरमेंट इज 5.5 सेंटीमीटर्स एंड जो शोल्डर का मैक्सिमम विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर्स आएगा। और जो हमारा वेस्ट है वो 3.5 सेंटीमीटर्स है, आप देख सकते हैं। 3.5 में आपका वेस्ट फिट हो जाना चाहिए। एंड जो नीचे का लोअर बॉडी है वो 17.5 सेंटीमीटर्स में आ रहा है। और सबसे जो चौड़ा स्कर्ट का जो सबसे चौड़ा पार्ट है, मतलब इसने जो ड्रेस पहन रखा, ड्रेस का फ्लेयर जो है वो 7.5 सेंटीमीटर्स है। फ्लेयर ऑफ द ड्रेस इज 7.5 सेंटीमीटर्स। सो राइट हियर आई एम यूजिंग टू डिफरेंट पेंसिल फॉर शेडिंग। वन इज 6B, अनदर वन इज 4B। 4B विल यूज वेयर वी डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ डार्क कलर, एंड 6B इज फॉर द डार्कर शेड। यू कैन जस्ट यूज वन पेंसिल एंड यू कैन डू द एंटायर शेडिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आई एम यूजिंग टू डिफरेंट पेंसिल्स, सो इट्स अप टू यू। तो सबसे पहले हम हेयर से शुरू करें। मैं 4B पेंसिल से पहले बेस करूँगी, फिर स्टैम्प का यूज़ करके जो कलर है उसको पूरा मर्ज कर दूंगी। अब उसके बाद मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ अगेन यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ करके। ध्यान रखिए, अगर आप 4B ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं
तो आप उसी को प्रेस करके जो है हाइलाइट दे सकते हैं। आपको उसको सिर्फ ज़्यादा प्रेस करके हाइलाइट देना है। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप दो पेंसिल खरीदें, एक पेंसिल भी काफ़ी है हाइलाइट देने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं कुछ कुछ एरियाज़ में ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, कुछ में कम कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे हेयर जो है ज़्यादा है। अब मैं बॉडी को सिर्फ, आप देख सकते हैं जो स्टैम्प है उसी से सिर्फ बॉडी को, क्योंकि स्टैम्प में वो पेंसिल का लेड लगाते हैं, तो उसी से सिर्फ बॉडी को कर लेना है आपको, कोई एक्स्ट्रा पेंसिल ऐड नहीं करना है। अब हम साइड्स में जहाँ जहाँ मैं पेंसिल ऐड कर रही हूँ वहाँ पर एक डबल शेड आएगा, मतलब दूसरा शेड भी आएगा। अब वो दूसरे शेड को मैं मर्ज कर ले रही हूँ पहले शेड के साथ स्टैम्प का यूज़ करके। अगेन स्टैम्प का साइज़ आप पतला मोटा डिपेंडिंग ऑन द एरिया ले सकते हैं, कोई फिक्स साइज़ का स्टैम्प नहीं है। आपको मोटा और पतला दोनों स्टैम्प अपने पास रखना है। ये पेपर स्टैम्प्स हैं बेसिकली, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू कैन यूज़ द स्टैम्प। बॉडी में बोन्स होते हैं, बैक में बोन्स होते हैं, वो हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और फिर जो हैंड्स हैं उसका जो है साइड जो है वो डार्क होंगे, वो मैं डार्क कर रही हूँ और मर्ज कर रही हूँ स्टैम्प से। आपको अच्छे से मर्ज करना है, ये जो जो भी आप सेकंड टोन ऐड करें फर्स्ट टोन के साथ ब्लेंड हो जाना चाहिए आपका सेकंड टोन, अलग सा नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी। सो ब्लेंडिंग आपको करनी है पहले। एंड देन ड्रेस भी बहुत लाइट कलर का है, इसीलिए मैं सिर्फ स्टैम्प लेकर सीधा मर्ज कर दे रही हूँ ड्रेस को। ध्यान रखिए जहाँ भी आपको लग रहा है आपने ज़्यादा पेंसिल यूज़ कर लिया है, आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। बिल्कुल ही लाइट कलर का ये शिफॉन ड्रेस है, सो ऑब्वियसली शिफॉन में कलर और लाइट हो जाता है। अब मैं पैटर्न्स बना रही हूँ, पेंसिल को मैंने शार्प कर लिया है और अब मैं ड्रेस के ऊपर पैटर्न दे रही हूँ। और ये बहुत रैंडम पैटर्न है, बेसिकली हम एक फ्लोरल लुक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या है, एक बड़ा सा पैच जो है उसको कलर से, मतलब पेंसिल से कलर कर रही हूँ, आप जैसे इस डिज़ाइन में देख सकते हैं। देन स्टैम्प से मर्ज कर दे रही हूँ। अब मैं कुछ कुछ एरियाज़ को हाईलाइट कर दे रही हूँ, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर का जो सर्कुलर पार्ट हो गया, तो एक तरह से ये फ्लोरल डिज़ाइन का फॉर्म ले रहा है। तो आपको बड़े बड़े ऐसे ही पैचेस बनाने हैं, देन उसको ब्लेंड कर देना है और फिर कुछ कुछ एरियाज़ को हाईलाइट कर देना है उसमें, एज अ लीफ, एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कुछ एरियाज़ में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े पैचेस नहीं बनाने, पर मोस्ट ऑफ द पैचेस एक बड़ा पैच की तरह शुरू हो रहा है डिज़ाइन। जितने भी डिज़ाइन हम देख रहे हैं मैं वहाँ पर एक पैच बनाकर सिर्फ उसको कलर कर रही हूँ। एंड देन उस पैच को, सॉरी कलर नहीं कर रही हूँ, मतलब मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद उस पैच को हाईलाइट्स हम दे रहे हैं डार्क कलर से। जो डार्क कलर है इसके लिए पेंसिल बिल्कुल शार्प कर लीजिए और आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के इसको करेंगे ताकि वो हाईलाइटेड दिखे। आपका बेस टोन से वो डार्क रहना चाहिए, वो जो दूसरा टोन आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इस ड्रेस के अंदर, जो दूसरा टोन आप ऐड कर रहे हैं वो डार्क होना चाहिए। अगेन हम बॉडी को जो है उसमें सेम प्रोसेस पैर में रिपीट करेंगे। एंड आप यहाँ देख रहे हैं कि जो है ये बहुत डार्क हो गया। अब मैं इरेजर से इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डार्क लग रहा है। तो आप कहीं भी इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने डार्क कर दिया है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से इरेज हो जाएगा। सो अगर आपको कहीं डार्क लग रहा है यू कैन ऑलवेज यूज़ इरेजर एंड रिमूव द एक्स्ट्रा पेंसिल एंड देन मर्ज विथ स्टैम्प अगेन। अब जो इसके बूट्स हैं वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर अगेन क्योंकि लेदर का फुटवेयर है तो उसमें थोड़े से हाईलाइट्स रहेंगे कर्वी एरिया में, इसीलिए मैंने पेंसिल से इरेज करके उसको फिर से मर्ज किया है। कहीं पर भी इरेजर यूज़ करना ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा आपके लिए। आपको कहीं भी लग रहा है कि आपने डार्क पैच बना दिया है, जस्ट टेक योर इरेजर एंड रिमूव द एक्स्ट्रा पेंसिल एंड देन मर्ज विद द स्टैम्प। ध्यान रखिए जब भी आप पेंसिल को रिमूव करते हैं तो आपको स्टैम्प को मर्ज करना पड़ता है। यहाँ मैं थोड़ा सा बोस्टर कलर यूज़ किया है कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट इनविजिबल है, पर मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ किया है। सो इट्स वेरी ऑप्शनल, आपको यूज़ करना है यूज़ करें, नहीं यूज़ करना है मत यूज़ करें, ऐसे भी डिज़ाइन कंप्लीट दिखेगा। सो होपफुली ये जो ड्रेस ड्राइंग था बहुत ईजी होगा आप सभी के लिए और आप सभी ड्रॉ कर पाए होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इंस्ट्रक्शन से हेल्प मिली कि नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे ये भी बताइए कि आप पेंसिल ड्राइंग में और किस तरह की ड्राइंग देखना चाहेंगे, किस तरह के ड्रेसेस देखना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।